मानव को स्त्री ने बनाया है, माँ ने बनाया है। इस जगत जननी की उपासना, इस माँ की उपासना, शक्ति की उपासना हम लोग तब से करते आ रहे हैं, तब से इस सृष्टि की शुरुआत हुई है। प्राचीन काल से ही हर वंश की, हर कुल की एक अधिष्ठाती, एक कुलदेवी हुआ करती थी। दिल्ली के महाराज जनक पाल तोमर की कुलदेवी मनसा देवी के पुजारी से बात हुई कि इस मेरी मैया की पूजा बच्चों के मुंडन यहाँ पे पूजन करते रहे। तो संबंध हो चार पीढ़ी तक भी उसको यहाँ आना पड़ेगा। सनातन ने जितना महत्व पुरुष को नहीं दिया, उससे कहीं ज़्यादा महत्व स्त्री को दिया है। उसने उसे जगत जननी की उपाधि दी है और उसे वो सम्मान प्रदान किया है जो किसी अन्य पंथ में, किसी अन्य संप्रदाय में देखने को नहीं मिलता है। इस जगत जननी की महत्ता की शुरुआत सैंधव काल से ही दिखाई देती है। शक्ति की पूजा अत्यंत प्राचीन काल से होती रही है। वैष्णव तथा शैव धर्मों के समान शाक्त धर्म भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। शक्ति के साथ कई और भी नाम प्रचलित हुए, जैसे दुर्गा, काली, भवानी, चामुंडा, रुद्राणी, लक्ष्मी, सरस्वती। यदि इसकी प्राचीनता की बात करें तो सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता की खुदाई में माता देवी की बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं। और यदि हम वैदिक धर्म की बात करें तो वहाँ भी अदिति, उषा, सरस्वती, श्री लक्ष्मी, बहुत सारी देवियों की उपासना का जो है जिक्र आता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक देवी सूक्त मिलता है और उसमें एक बाघ शक्ति की उपासना की गई। उसमें लिखा है कि मैं समस्त जगत की अधीश्वरी हूँ, अपने भक्तों को धन प्राप्त कराने वाली, ब्रह्म को अपने से अभिन्न मानने वाली, देवताओं में प्रधान हूँ, मैं सभी भूतों में स्थित हूँ। ब्रज क्षेत्र में कैला मैया की बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ हर देवी को कैला मैया का रूप माना जाता है और छोटे छोटे बच्चों को लांगुर माना जाता है। यहाँ उनकी भक्ति में भेंटे गाई जाती हैं, लांगुर या गीत गाए जाते हैं। यहाँ लोक मान्यता में छोटी छोटी कन्याओं को मैया का रूप माना जाता है और जो छोटे प्यारे से बच्चे होते हैं ये सारे बच्चे लांगुर माने जाते हैं, मैया के लांगुर कहे जाते हैं। अथर्ववेद में पृथ्वी को माता कहके उसके उसके पुत्र, धन, मधुर वचन प्रदान करने के लिए स्तुति की गई है। तो हम देख सकते हैं कि सैंधव काल में, वैदिक काल में, पौराणिक काल में, हर काल में स्त्री को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। देवी की उपासना तीन रूपों में की जाती है, शांत रूप, उग्र रूप और काम प्रधान रूप। उमा, पार्वती, लक्ष्मी ये सौम्य रूप के प्रतीक हैं। दुर्गा, चंडी, कपाली, भैरवी ये सभी उग्र रूप को प्रकट करते हैं। काम प्रधान रूप में देवी की उपासना शाक्त लोगों द्वारा की जाती है, उसे वो आनंद भैरवी, त्रिपुरी सुंदरी, ललिता आदि नाम प्रदान करते हैं। शाक्त पूजा का पहला ऐतिहासिक पुरातत्विक प्रमाण कुषाण शासक के उबिस के सिक्कों पर अंकित देवी के चित्रों में मिलता है। उससे पता चलता है कि ईसा की पहली सदी में ही देवी की मूर्तियां बनने लगी थी। हर्ष काल में भी शक्ति पूजा का बहुत ज़्यादा प्रचलन था।
वहाँ दुर्गा देवी की पूजा का मिलता है। ह्वेनसांग एक जगह लिखता है कि दुर्गा देवी को मनुष्यों की भी बलि दी जाती थी, यह बलि प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। 9वीं-10वीं शताब्दी में कई सारी देवी देवताओं देवी मूर्तियों का निर्माण किया गया। इसमें दुर्गा और सप्त मातृकाओं की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। नवरात्रि स्थापना में प्रमुखतः 9 दवाइयों का, 9 जड़ी बूटियों की जो है उपासना है। 9 देवियां हैं, इनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री। ये बदलते मौसम के प्रकोप से बचने के लिए पौराणिक विद्वानों ने 9 देवियों का रूप दे दिया इन 9 दवाइयों को, 9 जड़ी बूटियों को, ताकि इन 9 दिनों में व्यक्ति अपने खान पान को संतुलित कर सके, अपने आप को बदलते मौसम के साथ संतुलित कर सके, अपने आप को उसके अनुरूप ढाल सके। ये जड़ी बूटियाँ हैं, इन्हें मानवीकरण किया गया है और इनके मानवीकरण को बाद में आने वाले समय में दुर्गा के ही 9 रूप मान लिया गया। दुर्गा और महिषासुर कथा इतनी ज़्यादा समाज में प्रचलित हो गई, जनमानस में ये जो 9 जड़ी बूटियाँ हैं दुर्गा के 9 रूप में सम्मिलित हो गई और लोग इन्हें जड़ी बूटियों की बजाय दुर्गा का ही रूप मानने लगे।